तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शिक्षक बहुत ही न्यारे, वो है सेक्रेटरी हम सबके प्यारे, आ गए हैं भिड़े अंकल और माधवी आंटी हमारे। तो आ गए हैं अंजलि आंटी और मेहता अंकल। अंजलि आंटी की जो है जान और जिनका करते हम बहुत सम्मान, वो है मेहता अंकल और अंजलि आंटी। थैंक यू। अय्यर अंकल है हमारे देश की शान और हम सबको है उन पर बहुत ही अभिमान। थैंक यू नंदरी। जिन्हें नहीं है किसी भी बात की एलर्जी, जिनकी सबसे बेस्ट है एनर्जी, वो है हमारे सोडियम का। ओए टप्पू सा, दिल खुश कर देता। इस बात पे बजाओ डोलो। आ गए हैं हम सबके प्यारे हाथी अंकल और कोमल आंटी। होगी बजा। अच्छे अच्छों को पानी पिला देते और बात पर दुनिया हिला देते। वेलकम आवर फेवरेट अंकल कोमल अंकल। थैंक यू वेलकम। अरे वाह 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 मेरी बहनों, आप सब इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच पोपट भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे पापा और दादाजी आ गए। बचा बचा बचा। चाचा जो हम सबका है सहारा, जिनका हर शब्द लगता है हमें बड़ा प्यारा, हमारे प्यारे दादाजी। बापू जी वाह वाह गोली बेटा वाह, शेरो शायरी के अंदाज में मस्त स्वागत किया बापू जी का। किसने लिख के दिया? मेहता साहब ने? नहीं नहीं, ये तो हमने खुद ने लिखी है। हाँ भाई जेठा, आज इसी तरह से टप्पू सेना सबका स्वागत कर रही है। अच्छा तो मेरा स्वागत में भी ऐसा कुछ लिखा है? अफ़्पास। अरे तो अर्ज कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जिनका नाम है बड़ा, उन्हें कहते हैं जेठालाल चंपकलाल गोरा। मस्त। टप्पू सेना का जवाब नहीं है? अरे अरे एकदम। हाँ चाचा जी बिल्कुल, और मेरा भी एक सवाल है जिनका इनके पास जवाब नहीं है। मैं कब से पूछ रहा हूँ कि भाई कौन आने वाला है। भिड़े अंकल, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, बस आप थोड़ा वेट कीजिए। हाँ। तो आ गए हैं बागा भाई, बावरी दीदी और नटू काका, जो रहते तो हैं गोकुल धाम के बाहर,
फिर भी है गोकुलधाम का ही परिवार। वाह टप्पू सेना वाह। बार परिवार भाई टप्पू सेना ने कमाल कर दिया, माहौल ऐसा बनाया कि धमाल कर दिया, तारीफों से हम सबको माला माल कर दिया। वाह मैं तो यहाँ पूरी रात गरबा खेलूंगी। अरे खेल खेल तू तारे। अरे क्या खेल जेठालाल, नियमों के अनुसार 10 बजे तक ही परमिशन है गरबा खेलने के लिए। वही बात है। अरे हाँ बागेश्वर जी। कोई बात नहीं बावरी जी, यहाँ गरबा करने के बाद मैं आप और नट्टू काका तीनों हमारे घर पे पूरी रात गरबा करेंगे। ओ भाई तो फिर सोएगा कब, कल दुकान में? नहीं नहीं सेठ जी। क्या जेठालाल यहाँ पर भी तुम अपना दुकान लेकर बैठ गया? अरे अय्यर भाई इस बार का नवरात्रि उत्सव जेठालाल की दुकान की वजह से ही हो रहा है। ओ इस बात के लिए जेठा प्रात तो अड्डा बहुत बहुत थैंक यू है जी। थैंक यू जेठा भाई। अरे नहीं भाई ने मुझे थैंक यू मत बोलो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। थैंक यू बोलना तो टप्पू सेना को बोलो। अरे वो स्पॉन्सर वो लोग ही लेके आए। ओ इस बात पे टप्पू सेना के लिए तालियां हो जाए। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट टप्पू, तुमसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जरा माइक देना, माइक देना। इससे पहले कि टप्पू कुछ कहे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आज पर आप तुकारा मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज का ये प्रोग्राम शुरू करने की टप्पू को अनुमति देता। अरे अंकल ये क्या था? प्रोटोकॉल है बेटा। हाँ ले लो शुरू करो शुरू करो। माधवी आंटी आप सच में ग्रेट हो। थैंक यू बड़ा। आई मंजू नहीं नहीं तो कहीं तेरा अनाउंस करते थे आई। जैसा कि हम सब जानते हैं ये भव्य नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए हमें कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दी है। इस नवरात्रि के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए स्पॉन्सरशिप देने के लिए मैं टप्पू पूरी गोकुलधाम वासियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन्हें बुके देकर इनका सम्मान करें। टप्पू बुके पुष्प गुच्छ। अरे ते माइती कहाँ है भिड़े अंकल हम लोग लाए हैं। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से आपको बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको स्पॉन्सरशिप देकर बहुत ही खुश है। ओ मैंने सुना है इसका देश विदेश में लाइव टेलीकास्ट भी होता है। हाँ वो देखिए। और सुना ना मैंने कहा था ना सभी कस्टमर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो स्पेशल स्क्रैच कार्ड का ऑफर निकला है उसका लाभ आप सभी उठाइए। इसलिए हमारी तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। बाय बाय टप्पू सेना। बाय बाय मैडम बाय बाय।
के साथ होती है हमारी नवरात्रि की शुरुआत। बहुत ही मजेदार होने वाली है आज की रात। ओ टप्पू, लेकिन रात को मजेदार बनाने वाले आर्टिस्ट कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे वो लोग। अरे लेकिन कब आएंगे कि वो भी लेट आएंगे? एक मिनट दादा, वो भी लेट आएंगे ऐसा क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ लोग आते हैं ना लेट, वैसे ही लेट आएंगे। हाँ माला करते हैं सगड़ा, तुमचा इशारा मजा वरते जाए ना। हा? लेकिन भाई कल मीटिंग में सबसे पहले मैं ही पहुंचा था, भूल गया? अरे टप्पू तुम बताओ ना भाई, वो कब आ रहे हैं? भिड़ंगल वो लोग आते ही होंगे। आ जाएंगे। चलो आरती का वक्त हो गया है तो आरती कर लेते हैं पहले। चलो चलो चलो। बोलो श्री अम्बे माता की जय। ओ टप्पू कहाँ है? कौन भीड़ अंकल? अरे कौन क्या को, आर्टिस्ट कहाँ है? आ जाएंगे भीड़ अंकल वो लोग। अरे कब से बोल रहे हो आ जाएंगे, अभी तो आरती भी हो गई, कब आएंगे वो लोग? वो लोग आते ही होंगे। हाँ बाबा। गोली फोन करके पूछ तो सही। अरे कहाँ से फोन करेगा, उसके पास फोन तो होना चाहिए ना, वो गरबा खेलने आया है। भीड़ अंकल जस्ट ठीक है। जल्दी कर गोली। काय झालं यार, फोन तो नहीं उठा रहे लोग। अरे बाप रे, देखो जिसका डर था वही हुआ। अब वो टाइम पे नहीं आए तो आ जाएंगे वो लोग। अरे आ जाएंगे मतलब कितने बजे का बोला था आने के लिए? टाइम तो हो गया है। अरे टाइम तो हो गया तो कहाँ रह गए वो, और फोन भी नहीं उठा रहे। उन्होंने यहाँ आना कैंसल तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं पोपट अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उनको कहीं और से ज्यादा पैसे मिल गए होंगे तो वो यहाँ नहीं आएंगे। नहीं नहीं अय्यर, तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग कितने एक्साइटेड है गरबा खेलने के लिए। अरे लेकिन अभी तक नहीं आए ना। हाँ और अगर वो लोग नहीं आए तो हम गरबा कैसे खेलेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप वो लोग आएंगे। अरे भाई आना होता तो अब तक आ गए होते ना। आज तक आए। अय्यर भाई का अंदाजा बिल्कुल सही है, वो लोग कहीं और चले गए होंगे। देसी ढोल, मतलब टप्पू सेना, इस बार हम देसी ढोल और शहनाई पे गरबा करेंगे। हाँ दादाजी, कैसा लगा आइडिया? अरे जबरदस्त। हाँ हाँ जबरदस्त बेटा, आज के जमाने में देसी ढोल और शहनाई के बारे में कौन सोचता है। अरे हम तो बचपन से इसी पे गरबा करते आए हैं बाबूजी। राम राम। अरे ये सब तो हमारे जमाने के कलाकार है। ये देसी स्टाइल में गरबा खेलने का मजा आएगा? हाँ एक्चुअली हमें लगा था कि कोई बड़ा बैंड आने वाला है। कोमल आंटी, इनके सामने सारे बैंड फेल है। हाँ और वैसे भी गरबा माता जी की भक्ति का ही प्रकार है, उसमें ये देसी कला मिल जाएगी तो मजा दुगला हो जाएगा है? बापू जी। सही बात है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी नवरात्रि मजेदार बना देंगे। बाय बाय। तो आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि जब हम लोग शुरू करेंगे तो आपके पैर रुकने का नाम ले लेंगे।
कॉन्फिडेंस बगा। और हम भी ऐसा गरबा करेंगे ना कि ढोल बजाते बजाते आपके हाथ भी रुकेंगे नहीं। मात की जय। अंबे मात की नवरात्रि ने हम सबके मन को भक्ति के भाव से भर दिया। माँ के प्रति हमारी श्रद्धा ने हम सबको आनंदित कर दिया। बस माता से एक ही प्रार्थना है कि हमें नवदुर्गा की भक्ति, हमें प्रेम पूर्ण जीवन जीने की शक्ति दे, विश्व के कल्याण की ज्योति जले और हर हृदय में करुणा और स्नेह का भाव उत्पन्न हो। दोस्तों, गोकुल धाम वासियों की तरफ से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, गोकुल धाम की नवरात्रि तो बीत गई, लेकिन जेठालाल की चिंता वो इतनी आसानी से बीतने नहीं वाली। जी हाँ, उसके जीवन में चेक का टेंशन अभी भी मंडरा रहा है। उसके दिमाग में चेक का टेंशन मछली की तरह घूम रहा है। क्या होगा, चेक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या फिर जेठालाल की खुशियां ही चेक मेट हो जाएंगी? अगले एपिसोड में इस बात से पर्दा उठेगा। लेकिन हम आपके जीवन में हंसी और ठहाकों का चेक भिजवाते रहेंगे, हम आपके अकाउंट में खुशियां जमा करवाते रहेंगे। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स।